दिल्ली में इस सप्ताह की शुरुआत में आम आदमी पार्टी को छोड़कर भाजपा में शामिल हुए आपके पांच पार्षदों में से एक रामचंद पार्टी में वापस लौट आए हैं। वार्ड नंबर 28 के पार्षद रामचंद बवाना विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक हैं। पार्टी बदलने और भाजपा में शामिल होने के चार दिन बाद पार्षद रामचंद्र ने आप में वापस लौटकर आरोप लगाया है कि उन्हें गुमराह किया गया था। आपके पूर्व विधायक रामचंद्र वर्तमान में नरेला जोन के शाबाद डेयरी क्षेत्र से पार्षद हैं। मनीष सिसोदिया जैसे वरिष्ठ पार्टी नेताओं से मुलाकात के बाद वह गुरुवार को फिर से आप में शामिल हो गए। सिसोदिया से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा, मैंने गलत फैसला लिया था, लेकिन मैं फिर से अपने परिवार के पास लौट आया हूँ। कल रात मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मुझे सपने में आकर डांटा और कहा कि रामचंद्र उठो और मनीष सिसोदिया, गोपाल राय, संदीप पाठक और सभी नेताओं से मिलो और उनके साथ काम करो। इसलिए मैं मुख्यमंत्री की बातों की वजह से कभी भी आम आदमी पार्टी से दूर नहीं रहूँगा। मैं आज शपथ लेता हूँ, जिस तरह से मुझे कुछ लोगों ने गुमराह किया, मैं भविष्य में फिर कभी उनके बहकावे में नहीं आऊँगा। इस बीच दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, आम आदमी पार्टी के पुराने साथी बवाना विधानसभा के पूर्व विधायक और वर्तमान पार्षद साथी रामचंद्र जी से मुलाकात हुई। आज वे वापस अपने आम आदमी पार्टी के परिवार में लौट आए हैं। रामचंद्र की आप में वापसी आप और भाजपा दोनों द्वारा क्षेत्रीय वार्ड समिति चुनाव से पहले अधिक से अधिक पार्षदों का समर्थन हासिल करने के प्रयासों का हिस्सा है, जो स्टैंडिंग कमेटी के भाग्य का भी फैसला करेगा। मौजूदा सदस्यों के आधार पर भाजपा अभी भी 7 क्षेत्रों में बढ़त बनाए हुए है, जबकि आपके 5 क्षेत्रों में बढ़त हासिल है। निश्चित रूप से इन चुनावों में दल बदल विरोधी कानून लागू नहीं होते और वोटिंग गुप्त मतदान के माध्यम से की जाती है।